For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. 20 साल से काला हिरन केस सलमान के पीछे साया की तरह मंडरा रहा है। जब जब ये केस फिर से ओपन होता है वो दिन सलमान खान के लिए किसी काले दिन से कम नहीं होता है। वहीं हाल ही में 5 अप्रैल को हुए सुनवाई को लेकर सलमान खान आजकल मीडिया में काफी चर्चित हैं। जब सलमान खान बतौर कैदी जेल में थे तो उनके कई फैंस कोई मंदिर तो कोई मस्जिद जाकर उनकी रिहाई के लिए दुआ मांग रहे थे, जिसके चलते ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी दुआ काम लाई और महज 50 घंटों के अंदर ही उन्हें जोधपुर जेल से रिहा भी कर दिया गया। वेल, रिहाई के बाद सलमान से जुड़ी एक ऐसी भी खबरें आ रही हैं, जहां बताया जा रहा है कि तब्बू ने सलमान को बेकसूर बताया। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तब्बू ने सलमान का साथ देते हुए बताया है कि वो बेकसूर है और उनका सैफ अली खान ने ही ब्रेन वॉश किया था। सलमान को बेल मिलने के बाद तब्बू को बहुत खुशी हुई, जिसके बाद ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने सलमान खान केस से जुड़ी बहुत से राज तोड़े हैं। इस केस में कई बार तब्बू का भी नाम आया है, जिससे परेशान होकर आखिरकार उन्होंने ये सच बता ही दिया है। वेल, ये खबर कितनी सही है ये देखना आगे काफी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टॉप न्यूज से बैजयंती की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।